रहीम अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं सब? उम्मीद है फिट होंगे, खैरियत से होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज की वीडियो बहुत ही अच्छी चीज़ के ऊपर, एक ऐसे कह लें कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। और खुशखबरी किसकी तरफ से है? खुशखबरी है जी हमारी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और अमेज़ॉन की तरफ से कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन आ रहा है माशाल्लाह जी, ईद के तोहफे के तौर पर। ठीक है, ये काफ़ी दिनों से बात चल रही थी, हुकूमत भी हमारी ड्राइव में थी और हुकूमत के साथ कुछ हमारे ऐसे एक दो हैं ई कॉमर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं जिनके ग्रुप्स वगैरह भी चल रहे हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बहुत ज़ोर लगा रहे थे। खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा जो हैं साकिब अज़हर साहब और सनी अली साहब, उन दोनों का। ये अमेज़ॉन एक्सपर्ट हैं, अमेज़ॉन कह लें या ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं, और इन्होंने बहुत कोशिशें की हैं, साथ हमारी हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की हैं, और माशाल्लाह से अब ईद के तोहफे के तौर पर जो अमेज़ॉन है वो पाकिस्तान में लॉन्च हो रही है और उनकी सेलर लिस्ट में अमेज़ॉन की में पाकिस्तान जो है वो रजिस्टर्ड हो रहा है। और यानी कि पाकिस्तानी जो हैं ये अब डायरेक्ट अमेज़ॉन के साथ काम कर सकते हैं। ये अमेज़ॉन है कि अक्सर लोगों को इसका नहीं पता, मैं थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर दूँ। वो ये चीज़ है कि अमेज़ॉन ई कॉमर्स वेबसाइट है, जैसे हमारे पाकिस्तान में दराज़ है। तो करना क्या होता है इसमें, इसमें अपने शॉप अपनी रजिस्टर करनी होती है और उसके बाद अपनी जो प्रोडक्ट है वो आप ऑल ओवर दी वर्ल्ड अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। पहले भी लोग काम कर रहे थे इनेबलर्स के थ्रू या सनी अली के थ्रू या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे थे, और कर किस तरह से रहे थे कि उनको यानी कि अकाउंट कहीं और का बनाना पड़ता था, पाकिस्तान का डायरेक्ट अकाउंट जो है वो नहीं बनता था, उनको बनाना पड़ता था, यूके का बनाना पड़ता था या अमेरिका का बनाना पड़ता था किसी के थ्रू, वहाँ को पार्टनरशिप करनी पड़ती थी किसी के साथ, तो पेपाल का अकाउंट भी वहीं से बनता था। लेकिन अब उम्मीद है कि पेपाल भी जो है वो भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में जल्द आ जाएगी। जब अमेज़ॉन आ गया तो यार पेपाल आना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा और बहुत फ़ायदा होने वाला है लोगों को। अब अमेज़ॉन पे वहाँ से लोग अकाउंट बनाते थे और अपनी जो प्रोडक्ट है उसको सेल करते थे, और अब जो है अब यहाँ पे डायरेक्ट आप अपना अकाउंट बनाएंगे अमेज़ॉन पे, डायरेक्टली आप अमेज़ॉन के साथ काम करेंगे। अमेज़ॉन एक थर्ड पार्टी है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी जो प्रोडक्ट है उसको शो करते हैं, जैसे फाइवर या अपवर्क है, हमारे फ्रीलांसर दोस्त जानते हैं इस चीज़ को, कि एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे जाके आप अपनी चीज़ को जो है शो करते हैं, गिग लगा रहे हैं जैसे, उस तरह आपने अपनी प्रोडक्ट जो है वहाँ पे शो करनी है और ऑल ओवर द वर्ल्ड आप उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि पहले आप यहीं पे बेचते थे पाकिस्तान में बना के, तो अब आप बाहर भी बेचेंगे, पूरी दुनिया में बेचेंगे अमेज़ॉन के थ्रू। ठीक है, और इसका ये कि अगर आपके खुद के प्रोडक्ट नहीं है तो आप यहाँ की कितने प्रोडक्ट्स हैं आप कोई भी चीज़ उठा के सेल आउट कर सकते हो। यहाँ आप जैसे शॉपकीपर होते हैं, दुकान बनाते हैं, एक चीज़ लेते हैं और बेचते हैं, जैसे दराज पे लोग सेल कर रहे हैं, दराज पे काम कर रहे हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है, इसी तरह से आप अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं और लोगों के लिए बहुत सारे मौके आने वाले हैं जॉब्स के, कह लें, क्योंकि हमारे वर्चुअल असिस्टेंट भाई हैं बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं जो काम कर रहे थे पहले लोगों के साथ करते थे बाहर। ठीक है, जो इसको यूज़ करने के लिए अमेज़ॉन की जो अकाउंट को है उसको मैनेज करने के लिए, एसईओ के लिए, और इधर अब जो लोग खुद काम करना चाह रहे हैं जो बाहर बेचना चाहेंगे, अब एक बंदा फैक्ट्री है उसके पास, प्रोडक्ट वो बना रहा है, प्रोडक्ट क्या बना रहा है, कह लें वो पेंसिल बना रहा है, पेंसिल बनाई उसने बनाई है, वो यहाँ सेल करता था पाकिस्तान में, उसकी डेली 1000 पेंसिल बिक रही है। अगर आप वो ऑल ओवर द वर्ल्ड अमेज़ॉन के थ्रू बेचना चाह रहा है तो उसकी जाहिरी सी बात है यार खपत तो बढ़ेगी ना, वो 1000 की जगह पे 5000, 10000, 20000, लाख तक भी जा सकती है, तो अब उसको क्या चाहिए, उसको मैन फोर्स चाहिए अपनी कंपनी के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, तो लोगों को यहाँ उसको जॉब्स मिलेगी, उसका अकाउंट मैनेज करने का उसके पास पैसा तो है, उसके पास प्रोडक्ट है, पैसा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि इसको बेचना किस तरह से, अकाउंट को मैनेज किस तरह से करना है अमेज़ॉन को, तो यहाँ वर्चुअल असिस्टेंट उसको मिलेंगे। वो पाकिस्तान जहरी बात है, बंदा यार मैं हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मुझे कोई असिस्टेंट चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा पाकिस्तान का हो, ना कि अमेरिका का हो या इंडिया का हो, कहीं का ना, कोशिश होगी कि अपने मुल्क का हो, अपने मुल्क को फ़ायदा हो ना। तो भाई ये चीज़ होगी कि मौके बहुत आने वाले हैं जॉब्स के भी और आप डायरेक्ट इस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद अमेज़ॉन पे एक और चीज़ है FBA, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन, यानी कि अमेज़ॉन आपका A to Z काम संभालता है, आपकी प्रोडक्ट आप बना के दे दी अमेज़ॉन को, अमेज़ॉन ने जहरी बात उसकी कुछ ना कुछ फ़ीस है वो लेंगे, वो फीस लेंगे, वो अपने वेयर हाउस में रखेंगे, वहाँ पे आपका ऑर्डर आएगा उसको मैनेज करेंगे, आपकी पेमेंट आपके अकाउंट तक पहुँचाने तक सब कुछ अमेज़ॉन ने करना है। ठीक है, और उसको क्या FBA कहते हैं, फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन। ठीक है, ये उसकी सर्विस है और इसके चार्जेस अलग से वो लेते हैं, जहरी बात उन्होंने लेने हैं यार, क्यों नहीं लेंगे, सारा आपका मैनेज जो कर रहे हैं अकाउंट। उसके अलावा अगर आप खुद मैनेज करवाना चाह रहे हैं तो आप अपना असिस्टेंट्स जो हैं उनको हायर करके करवा सकते हैं, और मज़े की बात यह है कि अमेज़ॉन पे हर चीज़ आप बेचेंगे और ऑल ओवर द वर्ल्ड बेचेंगे। ठीक है,
आपको ये नहीं कि आप सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट है, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास पैसा है, आप तब भी कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रोडक्ट है और पैसा तो जारी बात है, फिर है ना, आप बंदे हर घर के कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ नहीं है, आप स्किल सीखें, स्किल सीखने के बाद सिंपल आप उस पर काम करें और सर्विसेज प्रोवाइड करके, जो जिनके प्रोडक्ट्स हैं या जो काम कर रहे हैं, जिनकी शॉप्स हैं, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद एज एन असिस्टेंट, एज अ फ्रीलांसर आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। उम्मीद है जी ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छा स्टार्टअप है, और मुबारकबाद जी हम सबको, पाकिस्तानियों को, कि अमेज़ॉन आ रहा है, तो इंशाल्लाह पेपाल भी आ जाएगा। तो पेपाल आने के बाद फ्रीलांसर्स को भी बहुत फ़ायदा हो जाएगा, और इधर तो होगा ही होगा लोगों को। तो इंशाल्लाह जी इसको एंजॉय करें, ईद पे आ रहा है अमेज़ॉन, और सबके लिए जनाब बहुत खुशखबरी है। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।